जय जय माता दी। मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसा अचूक और दिव्य प्रयोग बताऊंगा, यह वशीकरण का टोटका है जो संभोग के लिए होता है। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि इस प्रयोग को सिर्फ शादीशुदा व्यक्ति ही करे अपने प्रेमी प्रेमिका अर्थात अपनी पत्नी के ऊपर। इसे किसी के भी ऊपर आप प्रयोग नहीं कर सकते, नहीं तो पीछे पड़ जाएगी और आपको फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। तो शादीशुदा जिंदगी है, अनबन हो रही है, प्रेम में मिठास नहीं है, रिश्ते में वह गहराई नहीं है जिस गहराई को दोनों चाहते हैं, तो इस प्रयोग को करें। निश्चित तौर पर इतना प्यार बढ़ेगा कि आपका जो साथी है, पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका जो भी हो, वह आपके लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएगा और किसी भी बात के लिए खुद से मना नहीं कर पाएगी। तो इसे करना क्या है, कैसे करना है, संभोग वशीकरण टोटके को ध्यान से सुनिए। इसके लिए आपका और उसका दोनों का फोटो चाहिए और लाल धागा चाहिए, लाल मार्कर चाहिए, मार्कर पेन आता है, और कोरा कागज। शनिवार के दिन किसी भी समय इस उपाय को करना है। करना क्या है, कोरे कागज में उसका और अपना नाम लिखना है और दूसरी तरफ जो आपकी इच्छा है वह लिखना है। अर्थात आप अपने प्रेम में प्रागाढ़ता चाहते हैं तो उसी चीज को लिखें और उसके बाद दोनों के फोटो को आपस में एक दूसरे के तरफ मुंह करके कागज में रख दीजिए और लाल धागे से इसे बांध दीजिए। लाल धागे से बांधेंगे तो 7 बार लपेटिएगा और 7 गांठे बांधिए। उसके बाद इसे अपने सिर से लेकर पैर तक 7 बार घुमाइए और किसी भी ऐसे जगह पे जहाँ पे लोगों का आना जाना कम हो, वहाँ पास गड्ढा खोदकर मिट्टी के अंदर दबा दें। और उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखिए, वापस आ जाएं, पीछे मुड़कर ना देखें और इस प्रयोग को हर शनिवार को दोहराएं। आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक रूप से आपका काम बन गया। अगर उपाय से संबंधित कहीं कोई समस्या हो तो नंबर पर व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। जय जय माता दी। मित्रों,